के सामने ये सारी मैजिक, नहीं नहीं ये तो ना मैजिक वाली चीजें हैं, हर चीज। गाइस व्हाट्सअप, कैसे उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज फिर मैं लाहौर में हूँ, ये ब्लॉग लाहौर में शूट कर रहा हूँ। आज पूरा दिन है हमारे पास, लास्ट डे लाहौर में इंजॉय करने के लिए, इसलिए अब हम जा रहे हैं अनारकली मार्केट, जो पाकिस्तान के लाहौर की सबसे बड़ी मार्केट है। अभी हम पहुंच चुके हैं अनारकली मार्केट में और हम एक मैजिक वाली दुकान पे हैं। वहाँ हुसैन भाई शॉपिंग कर रहे हैं बिल्कुल सामने। देखिए सामने ये सारी मैजिक, नहीं नहीं ये तो ना, मैजिक वाली चीज़ें हैं, हर चीज़। ये वाओ, ये तो ना बनाओ, हुसैन भाई ने मैजिक किया। 800 रुपये की सेल लगी हुई है वहाँ, तो तकरीबन रेडी वाले तकरीबन 1600-2000 ऐसे बता रहे हैं, यहाँ तो 800-800 उसमें भी रियायत होगी। नहीं 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 सारों के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। इतने सस्ते सस्ते चीज़ें हैं, गए हैं मोमोज खाने के लिए। सामने मोमोज बन रहे हैं, बड़े VIP किस्म के मोमोज हैं। और ये सामने डील्स हैं उसके, 100 रुपये के 3, 200 के 6 और 400 के 12। चलो इसको पहली दफ़ा हम ट्राई करते हैं, इसलिए हमने थोड़े से मंगवाए, हमने कहा 3 हमें दे दो, फिर इसको ट्राई, अगर मज़ा किए तो और खाएंगे, नहीं तो फिर नहीं। फाइनली हमारे मोमोज तैयार हो चुके हैं, तो इसको टेस्ट करके देखते हैं कैसे हैं। इधर भी लगो, पता नहीं क्या नॉर्मल है, बस गजब बेइज्जती है, ज़्यादा मज़े के नहीं है, बस यहाँ से कहीं चलते हैं और जगह पे। हमें कोट वाली शॉप पर, यहाँ सारे कोट तकरीबन 700-700 की रेंज में है, सेल लगी हुई है 700-700 की रेंज में। सलाद खाने के लिए बड़े VIP किस्म से है ना, डेकोरेट किया है सलाद, और हुसैन भाई ने अपने लिए सलाद सैलेड पैक खर्ची करते हैं। हुसैन भाई 50 रुपए का उसने सैलेड लिया सेपरेट से, और उसको आप हिला रहे हैं। मेरा मजाक मिक्स कर रहे हैं, सेटिंग कर रहे हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ये बड़े VIP किस्म के हैं, ये गाजर है, हमने खीरे, सारे मिक्स चीज़ें हैं। अभी आगे चल रही हैं, यहाँ जगह बहुत दूर दूर है, कोई चीज़ का कहीं से पता नहीं चल रहा। पंजाबी लोग, आप लोगों को पता है कि ये रास्ता सही से बताते हैं, इसलिए हम बस घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं। जहाँ जहाँ हमें पता चल रहा है हम वहीं जा रहे हैं। किस्म की किताबें पढ़ी हुई हैं, अगर किसी को चाहिए तो आ जाइए, अनारकली मार्केट में बड़े सस्ते मिल रहे हैं। हुसैन भाई आपको, नसीम शाह यहाँ आपको मिलेंगे, आप तस्वीरें भी खिंचवा सकते हैं, और यहाँ से सस्ते नसीम शाह से तस्वीर भी खिंचाइए और किताब भी लेके जाइए। ये ऑफर है सिर्फ 2 मिनट के लिए, क्योंकि 2 मिनट बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, जा रहे हैं ट्रेन स्टेशन, सामने बिल्कुल ट्रेन स्टेशन है, फिर उसके बाद वहाँ से ट्रेन लेके शालामा बाग जाएंगे, और शालामा बाग के बाद फिर वो देखते हैं क्या क्या चीज़। शालामाल बाग पहुँच चुके हैं, और ये सामने बिल्कुल, अभी लेते हैं टिकट, फिर उसके बाद अंदर इंटर करते हैं, देखते हैं क्या सिस्टम है। अंदर आ गए और सामने सीन देखे, यहाँ तो सिर्फ बाग ही बाग है और कोई ज़्यादा मुझे चीज़ नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल सामने ये लोकेशन है, देखें क्या है, इतना ज़्यादा तो खूबसूरत नहीं है, इसका मतलब हमने टाइम वेस्ट किया है। अभी फिर यार यहाँ तो कोई चीज़ भी नहीं है यार, हर तरफ घास ही घास है। मैं तो आपको कहता था, क्या चीज़ वाघा बॉर्डर अभी चलती है। हाँ ये तो बात है, ये बंदा सुबह से कह रहा था वाघा बॉर्डर, हम नहीं सुन रहे थे। असल में ये कह रहा था वाघा बॉर्डर नहीं चलते, ये असल में कह रहा वाघा बॉर्डर चलते। हाँ ये अब कह रहे वाघा बॉर्डर चलते, यहाँ इतने दूर से हम पैसे भर के आए, टिकट ली, हर चीज़ ली, अब कहते हैं वाघा बॉर्डर, क्योंकि वाघा बॉर्डर इस वजह से अब हम जा रहे हैं क्योंकि वो 5 बजे से पहले वहाँ परेड होती है, इसलिए हम कहते हैं टाइम से पहले वहाँ पहुँच जाएँ ताकि परेड देख सकें। इसलिए चलो यह जगह तो देख ली, अब वहाँ से वाघा बॉर्डर सीधा चलते हैं, फिर वाघा बॉर्डर पर देखते हैं परेड कैसे होती है, क्या सीन है, हर चीज़। यहाँ तो मुझे नहीं लग रहा कोई खूबसूरत सी जगह है, बस यहाँ से चलते हैं, और दोस्त भी हैं उनको भी साथ ले कर चलते हैं। हम वाघा बॉर्डर पहुँच चुके हैं और बिल्कुल सामने वाघा बॉर्डर है, अब अभी अंदर इंटर होते हैं फिर देखते हैं क्या सीन। बहुत ज़्यादा हो गए हैं वॉक करते करते, बहुत ज़्यादा मैं थक चुका हूँ, और ये देखें पाकिस्तान के झंडे इतना प्यारा लग रहे हैं, और सामने देखें
सांस पे सांस चढ़ रही है क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस 3 किलोमीटर है और बहुत ज़्यादा है, और आवाज़ें उनकी सुन सुन के मेरा दिल कह रहा है कि जल्दी पहुँचे और देखें। ये पहली दफ़ा मैं यहाँ देख रहा हूँ ऐसी सिचुएशन। हम लोग पहुँच गए हैं, बिल्कुल हमारे सामने है, 3 किलोमीटर का वॉकिंग डिस्टेंस है। परेड शुरू हो चुकी है जिसकी वजह से जल्दी जल्दी जाना पड़ गया है। आवाज़ें आ रही हैं अभी भी। इंटर हो चुका था, परेड देख लिया, काफ़ी मज़ा आया और मेरे बिल्कुल सामने इंडिया है। सामने आप देख रहे हैं इंडिया ही है। इंडिया की आवाम ज़्यादा थी हमारी कम थी परेड में, लेकिन वहाँ के लोग भी अच्छे लग रहे हैं, हमारी तरह ही हैं सारे। देख के बहुत खुशी है, इनके साथ तस्वीरें खींचते हैं, फिर देखते हैं और फिर यहाँ से चलते हैं। परेड शेड देख रही है, अब फिर से वॉकिंग डिस्टेंस है, अब तो आराम आराम से जा रहे हैं क्योंकि आते वक्त तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आए थे, लेकिन जाते वक्त आराम आराम से जा रहे हैं क्योंकि आप सिर्फ और जगह पे जाना है जो आराम वाली जगह। आप कहाँ जाएंगे? अब पहले रिक्शा तक पहुँचेंगे, पहले कोई रिक्शा देखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कोई अगली डेस्टिनेशन कौन सी अच्छी बताएंगे। और वो गायब हो गए हैं हुसैन भाई, अभी गायब हो गए हैं, हमें नहीं मिल रहे क्योंकि यहाँ सिग्नल होते नहीं है, क्योंकि जैसे हम अंदर इंटर हुए सिग्नल ख़त्म, इसलिए अभी हम बाहर निकलेंगे। जैसे फिर कुसान भाई को घंटी करेंगे वो कहाँ है, क्योंकि अगली डेस्टिनेशन को उसको पता है, फिर उसके साथ फिर हम आगे जाएंगे। हम लोग खाने पीने आए हैं यहाँ की, हमने वीडियो देखी थी, डील देखी थी, चलो हमने कहा डील मंगवाते हैं। और मैं आज बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, घूम घूम के टांगे शालों गए, मॉल गए थे, वहाँ गेमिंग शेलिंग खेली, वहाँ के छोटे क्लिप में आपको ऐड करके दिखा दूँगा। और हमने मंगवाया है पिज़्ज़ा, मंगवाया है ये स्मॉल लॉर्ड, ये सारे पिज़्ज़े हमने मंगवाए हैं, ये भी स्मॉल पिज़्ज़ा भी। अभी अभी कोल्ड ड्रिंक आ रही है, उसको पीते हैं फिर है ना। आज बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड। आई होप आपको अच्छा लगेगा। अल्लाह हाफिज़।